हेलो यार, कैसे हो यार सब के सब। तो देखो, आज की पेंटिंग का टॉपिक है ओजोन लेयर डिप्लीशन, या फिर मतलब तुम इसको ना जैसे इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, या फिर जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड और भी नेचर, जैसे नेचर कंजर्वेशन, इन सब पे बना सकते हो। ठीक है, अब देखो यार, ये ना जो मैंने ड्रॉ करा है जस्ट वो रेफरेंस के लिए करा था, बाकी और कुछ नहीं है। तो आपको ड्रॉ करना हो तो आप कर लेना, और नहीं करना हो तो मतलब आप डायरेक्ट कलर से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना जस्ट मैं जो यूज़ कर रहा हूँ अभी वो पर्शियन ब्लू कलर है। वो ना एक्रेलिक के डब्बे में आपको मिलेगा नहीं, तो आपको ना अलग से परचेज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इसका छोटा डब्बा भी आता है तो वो परचेज़ कर लेना। अब देखो ये जो मैं कर रहा हूँ ना, इसमें ना वाइट आपको ज़्यादा रखना है, क्योंकि आगे जो चीज़ बनाऊंगा ना वो डार्क बनेगा, तो ना वो काफ़ी अच्छा लुक लेके आएगा। मतलब जब ब्लूइश बहुत वाइट टाइप में हो ना, मतलब वाइट ब्लूइश कह लो, ठीक है, तो वैसा मतलब ऐसा ब्लूइश हो जो बहुत लाइट हो, तो मतलब इस वजह से वो बहुत अच्छा दिख के आएगा जो मैं बनाऊंगा इसके ऊपर। ठीक है, तो देखो बिल्कुल अच्छी तरह ब्लेंड करना है इसको, और फ्लैट ब्रश यूज़ करना है, मोटे नंबर का, मतलब बड़े नंबर का, मतलब 12-13 नंबर का ऐसे फ्लैट ब्रश यूज़ करना है आपको। ठीक है, देखो ऐसे ब्लेंड करना है प्रॉपर। ठीक है, और ऊपर थोड़ा सा ऐसे ग्रीन कर दो, क्योंकि उधर मैं एक अर्थ वाला एरिया बनाऊंगा। एक तो बनाऊंगा मैं जहाँ पे कि मतलब जैसे सूरज है ना, तो उसकी रोशनी पड़ रही है, सन की रोशनी, जिसको सूरज का मतलब ना पता हो, होते हैं कुछ ठीक है, तो सन की रोशनी जहाँ पे मतलब ऐसे ओजोन लेयर को डिप्लीट मतलब कर रही हो, उधर एक राइट साइड वाला वो बनाऊंगा, और जहाँ पे मतलब ओजोन लेयर बिल्कुल ही उसको मतलब जाने नहीं दे रहा, तो उधर लेफ्ट वाले एरिया पे, ग्रीन वाले एरिया पे वो बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी देखो मैं पेंटिंग का मतलब तो आपको बता ही दूंगा वैसे लास्ट में, तो पेंटिंग आप देखो और जो समझना है मैं साथ के साथ बताऊंगा। इसमें देखो ब्लेंडिंग बहुत प्रॉपर रखना है, देखो मैं बार बार ब्लेंड कर रहा हूँ इसको ढंग से, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप भी। देखो यार, आपको ना और एक चीज़ बताता हूँ मैं, जैसे ना आपको कंपटीशन जीतने के लिए पेंटिंग करनी है ना, तो उसके लिए ना आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी बनानी पड़ेगी। मतलब मैंने यूट्यूब पे यार बहुत सारी पेंटिंग देखी है, उधर ना वो जीतने के लिए मतलब बनाते ही नहीं पेंटिंग, ऐसी मतलब बनाते हैं जिससे कि ना मतलब आप बस कॉम्पिटिशन में कराओ, लेकिन आपको असल में कॉम्पिटिशन में जीतना होता है, तो इस वजह से आपको ना मतलब थोड़ी बहुत अच्छी सी पेंटिंग करनी पड़ेगी। और देखो यार, पेंटिंग में कुछ नहीं है, जैसे देखो मैं राइट कलर सार राइट की तरफ राइट की तरफ सारे कलर्स पड़े हैं, तो जो जो कलर्स मैं जब जब यूज़ करो ना, कोशिश करो वो कलर्स यूज़ करो। अब देखो मैं आपको ढंग से बताता हूँ, जैसे ना ये एक फेस बना रहा हूँ मैं, जैसे अर्थ का फेस है ऐसे मान के चलो, ठीक है, और वो मतलब बंजर जमीन बन चुका है। तो ध्यान से देखो इसमें कलरिंग मैं कैसे कर रहा हूँ, जैसे देखो इसके ना राइट टॉप पे, जो राइट टॉप वाला एरिया है उधर लाइट है बिल्कुल, ठीक है, और लेफ्ट सबसे डाउन वाला जो एरिया है, लेफ्ट बॉटम वाला एरिया इसका फेस का, वहाँ पे डार्क है। अब ना ये जस्ट बेस सेट कर रहा हूँ, फिर बेस सेट करने के बाद डिटेलिंग करूँगा। और ये देखो ये जो ब्लू करा ना, ये पर्शियन ब्लू जो करा मैंने, ये जस्ट इसलिए करा क्योंकि यहाँ पे ना ये अर्थ बन रहा है, तो अर्थ में जैसे पानी होता है ना, तो वो थोड़ा ऐसे ब्लू सा दिखा दो, ताकि ऐसा थोड़ा बहुत लगे कि अर्थ बना रहा हूँ मैं। ठीक है, बाकी आपको थोड़ा ऐसे ग्रेइश इफेक्ट देना है, ये इसलिए कर रहा हूँ मैं ग्रेइश वाला, क्योंकि जैसे मतलब एक तो ये रेफरेंस लिया था मैंने, ठीक है, और दूसरा मतलब ये इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इससे लुक काफ़ी अच्छा आएगा, जैसे पीछे ब्लूइश बैकग्राउंड है उसके ऊपर मतलब ग्रेइश का लुक अच्छा आएगा इसलिए, और ब्लूइश इसलिए लाइट रखा था मैंने, ब्लूइश वाइट मतलब बहुत लाइट रखा था इसलिए। ठीक है, अब देखो अब बीच में ना थोड़ा थोड़ा लाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे बीच से ऐसे शक्ल थोड़ा ऐसे आगे की ओर होता है ना, जैसे ऊंचा सा, जैसे नाक हो गया, फिर फॉरहेड, फिर जैसे हमारी चिन हो गई, तो उधर लाइट की रिफ्लेक्शन ज़्यादा पड़ती है, तो इस वजह से वहाँ लाइट आएगा। अब देखो जस्ट बेस सेट हो गया मेरा, अब उसके बाद मैं इस पर क्या कर रहा हूँ, हल्की बहुत डिटेलिंग कर रहा हूँ, जैसे मतलब ब्लैक कलर लिया और ब्लैक कलर से ऐसे क्रैक टाइप दिखा रहा हूँ बस। ठीक है, उसके बाद बस इन्हीं चीज़ों को हल्की हल्की डिटेलिंग ज़्यादा ज़्यादा करते जाना है इसमें। जस्ट देखो इसको ग्रे को थोड़ा सा वाइट के साथ मिक्स करा अभी जस्ट, अब देखो अब ये लाइन डाल रहा हूँ, तो ऐसे ऐसे ही आपको साथ के साथ आप देखते रहो, जो जो कर रहा हूँ ना मैं वो साथ के साथ करो, बहुत इंप्रूवमेंट आएगी आपकी। ठीक है, अब देखो वही जो ब्रश में ब्लैक लग रखा था उसी से जस्ट हल्का मिक्स करा, ये देखो ये वापस मिक्स करा। ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा आपको ये सब जो जो मैं कर रहा हूँ बस आप साथ करो, आपका सेम हो जाएगा। ठीक है, थैंक you.
देखो अब ना जैसे ये गले वाला पार्ट है, तो गले वाले पार्ट के लिए तो यार सिंपल, जैसे मैं ना अलग अलग कलर यूज़ करूँ, तो आपको अगर वो ना करना हो तो वो भी मत करो आप, ठीक है। जस्ट देखो डार्क वाला जो एरिया है इसमें मैंने ऑरेंज और ब्लैक को मिक्स करा है, तो ये कर लेना। और उसके बाद जैसे जो मीडियम वाला होगा उसमें जस्ट ऑरेंज मिक्स करना, और जो सबसे लाइट वाला एरिया होगा उसमें वाइट मिक्स कर देना। और देखो शक्ल पे मैंने वो चढ़ाया था ना, तो वो मतलब हमें ग्रे वाले के साथ मिक्स करना होगा, जैसे शक्ल वाला बैकग्राउंड ग्रे कलर में और नीचे ऑरेंज वाला है, तो ये अचानक ही तो नहीं आ सकता, तो इस वजह से ग्रे वाले के साथ मिक्स करा था मैंने। अब देखो यहाँ येलो कर रहा हूँ, तो आपकी मर्ज़ी, आपको येलो करना है तो येलो करना, वरना जस्ट ऑरेंज भी कर सकते थे आप, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे वाइट मिक्स कर दो। अब देखो जैसे शक्ल पे चढ़ा रहा हूँ मैं हल्का हल्का, ये देखो ये, तो ये चीज़ थोड़ा आपको ध्यान रखना है, मतलब पहले मैंने उसको ब्लैक और ऑरेंज जो मिक्स था उसको चढ़ाया, फिर उसके बाद जो लाइट कलर किया उसको चढ़ाया शक्ल पे, तो ये सब चीज़ें। बाकी तो यार ये सिंपल रूल है कि जो मैं कर रहा हूँ आपको सेम करते जाना है, और थोड़ा बस दिमाग लगाना है कि क्यों करना है। जैसे देखो ये जो नीचे कर रहा हूँ ना, यहाँ पे थोड़ा डार्क कर रहा हूँ मैं, है ना, जैसे चिन के नीचे, तो वहाँ पे मतलब परछाई आ रही है चिन की, इस वजह से डार्क करूँगा मैं, ठीक है। तो बस इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है, और बाकी तो मतलब तुम कर लोगे यार, ठीक है। 50% भी कर लो यार तो भी बहुत है, ठीक है। और याद रखना चिन के नीचे जहाँ जहाँ मैं डार्क कर रहा हूँ वहाँ वहाँ शेडो आएगी, इस वजह से डार्क कर रहा हूँ, और जहाँ मीडियम कर रहा हूँ उसका भी ध्यान दो, और जहाँ लाइट कर रहा हूँ उसका तो ध्यान दोगे, ठीक है। देखो अब ना आप एक चीज़ ना ध्यान से देखो, जैसे ना चिन के नीचे वाला जो एरिया है वहाँ पे मैंने डार्क करा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ना नेक्स्ट आपको बताता हूँ मैं, ये जो आपको जितना भी कॉम्प्लिकेशन इस पेंटिंग में लग रही है ना वो आपको मैं सिंपल कर देता हूँ। जैसे देखो मेन चीज़ मैंने क्या करा है, इधर जहाँ पे ना जो गला वाला एरिया है उसके देखो बीचों बीच लाइट करा है और आसपास डार्क रखा है, ठीक है, क्योंकि गले के बिल्कुल बीचों बीच वाला पार्ट ना थोड़ा आगे निकला होता है तो वहाँ पे लाइट आती है, ठीक है। फिर देखो चेस्ट के बीच वाले पार्ट पे हम डार्क करेंगे, और जो हमारा आर्म वाला एरिया होता है, मतलब हमारा कंधे वाला एरिया होता है आर्म वाला, ठीक है, उधर हम हल्का सा डार्क करेंगे क्योंकि वहाँ भी शेडो पड़ती है। खुद ही दिमाग लगाओ, जहाँ पे मतलब थोड़ा सा ऐसे शेडो टाइप पड़ती है उधर हमें डार्क करना है, और जहाँ पे मतलब शेडो नहीं पड़ती वहाँ पे लाइट करना है हमें, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें, और बीच में मीडियम टोन, ठीक है। अब देखो अब ध्यान से देखना, जो जो मैं कर रहा हूँ ना वो आप मतलब करो, वो डिटेलिंग के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन आपको अगर डिटेलिंग नहीं करना, आपको सिंपल रखना है, ठीक है, तो आपको जस्ट पता है क्या ध्यान रखना है। जस्ट देखो अभी मैं बताता हूँ आपको, आपको ना मतलब मीडियम टोन, लाइट टोन और डार्क टोन का यूज़ करना है बस पूरी पेंटिंग में, और आपकी पेंटिंग मतलब हो जाएगी सेम।
बस बाद में लास्ट में डिटेलिंग दे देना हल्की, जैसे ये बेस टाइप हम कर देंगे। तो मैं आपको बस कह रहा हूँ अगर आपसे ये ना हो तो आप बेस बेस कर लो। जैसे देखो ये मैंने क्या करा, डार्क ब्लैक और ऑरेंज मिक्स, फिर उसके बाद मीडियम बस ऑरेंज, और उसके बाद येलो कर दिया, आप डायरेक्ट वाइट कर दो तो लाइट टोन। बस ये चीज़ कंधे वाला एरिया हो गया जो मैंने बोला था अभी आपको, ठीक है, कि कंधे वाले एरिया पे एक शेडो आता है, और एक आएगा चेस्ट पे। तो अभी देखना चेस्ट करूँगा, रुको दिखाता हूँ मैं चेस्ट वाला। ये तो जस्ट हल्की बहुत डिटेलिंग कर देना, ऐसे ना करना हो तो भी चलेगा पर कर देना, ठीक है। तो ये सब ऐसे डिटेलिंग वाला पार्ट है, वो तो आपको दिख रहा है राइट कलर से, राइट साइड से कलर्स यूज़ कर रहा हूँ तो वो कर लेना। अब देखो ऑरेंज और ब्लैक मिक्स किया, अब देखना अब यहाँ पे डार्क करूँगा, ये देखो ये देखो ये वाला ऐसे, ठीक है। और फिर उसके बाद मतलब देखो कोने कोने पे मैं वाइट रख रहा हूँ तो इसका ध्यान दो। तो यही करा मैंने, देखो बीच में डार्क करूँगा, उसके बाद मीडियम, और उसके बाद लाइट चेस्ट वाले एरिया पे। और जो लाइन लाइन ऐसे डाला है ना वो तो जैसे हमारे रिब्स की लाइन होती है ना, तो इस वजह से डाला हुआ है वो। अब देखो रोड भी कभी भी ना ऐसे आपका ना मतलब ब्लैक पूरा नहीं होता, ठीक है, आपको ब्लैक और फिर मतलब वाइट मिक्स करके करना है इसमें, मतलब इसमें भी डार्क मीडियम और लाइट टोन का यूज़ करना है आपको, ठीक है। बस आपको पूरी पेंटिंग में डार्क मीडियम और लाइट टोन का यूज़ करना है, कहीं छोटे एरिया पे होता है कहीं बड़ी एरिया पे होता है, पर ये तरीका चलता है, ठीक है। अब देखो अब जैसे ना मैंने पहले जितना कर दिया था आप उतना भी छोड़ सकते हो, लेकिन ना आपको फिर और थोड़ा मतलब डिटेलिंग करनी हो तो फिर आप मतलब ऐसे डार्क जैसे बीच में और कर सकते हो, और रोड के साइड में ऐसे परछाई डाल दो, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, उससे और अच्छा लुक आ जाएगा, ठीक है। बाकी जितना आपने मतलब मैंने पहले करा था बस उतना ही छोड़ सकते हो आप, ठीक है, वो भी ठीक था, मतलब उतनी शेडिंग भी ठीक थी।
यार देखो ये ना राइट साइड से थोड़ी सी ब्राइटनेस आ गई है तो उसके लिए सॉरी, पर मतलब पेंटिंग पे कोई असर आ नहीं रहा उससे तो ठीक है। ठीक है, और ग्लास की साइड वाला जो कलर है वो टर्किश ब्लू है, वो थोड़ा ब्लैक सा लग रहा है तो वो टर्किश ब्लू है जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब बस यही है। और बाकी सोलर प्लेट, तो मतलब सोलर प्लेट बनाने के लिए ना बस एक चीज़ क्या करो, जो बनाया मैंने मतलब वो जो रेक्टेंगल्स हैं वो सोलर प्लेट है, उसके लिए बस पर्शियन ब्लू करो और बीच में वाइट करो और उसके बाद वाइट से लाइन डाल दिया करो क्रॉस क्रॉस। ठीक है, तो आपका सोलर प्लेट हो जाएगा। ठीक है, और पेड़ के लिए तो ऐसे कुछ भी कर दिया करो मतलब देखो ना कि मैं कैसे कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे हाथ कैसे भी चला रहा हूँ उसमें। ठीक है, तो पेड़ हो जाएगा आपका। अब देखो यार, अब ना मैं पेंटिंग का मतलब ही बता देता हूँ आपको। जैसे देखो ये ना मतलब जो राइट साइड पे मैंने आदमी जैसा बनाया है, ठीक है, वो पता है असल में ना अर्थ है, जैसे ऊपर ना अर्थ है और बिल्कुल बंजर अर्थ है, जैसे बिल्कुल जैसे वो नहीं होता मतलब सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट सा आ जाता है तो फिर मतलब उधर क्रैक्स दिखते हैं अर्थ पे, तो ऐसा हो गया बिल्कुल अर्थ। ठीक है, मतलब बिल्कुल ही ख़त्म, क्योंकि ओजोन लेयर मतलब अब डिप्लीट कर चुका है ऐसा। और ना नीचे इंसान बनाने का रीज़न ये है कि ना मतलब जैसे आदमी ना सोच रहे हैं कि मतलब वो अर्थ को कर रहे हैं, मतलब जैसे सोच कह रहे हैं जैसे अर्थ को दिक्कत दे रहे हैं वो असल में, ठीक है, लेकिन वो असल में खुद को ही दिक्कत दे रहे हैं। तो ये चीज़ दिखाया है, मतलब आदमी खुद को ही दिक्कत दे रहा है, ठीक है, इसलिए आदमी बनाया है। तो ये अर्थ और आदमी मतलब जुड़े हुए हैं एक तरह से ये मान लो। ठीक है, और फिर इसके आसपास ना सारी चीज़ें वैसे दिखाओ, जैसे पेड़ जो बनाया है वो जल रहा है, ठीक है, मतलब जो ये पौधा है वो बिल्कुल येलोइश हो गया और फिर उसके बाद जल वल रहा है, ठीक है, क्योंकि यूवी रेज क्रॉस कर चुके हैं और टेम्परेचर काफ़ी बढ़ चुका है, और जो बिल्डिंग्स वगैरह उनमें आग लग चुकी है, वो राइट साइड बनाऊंगा अभी। ठीक है, ये देखो ये जो बना रहा हूँ ये इसमें आग लग चुकी है, और बाकी जो रोड्स गाड़ियाँ चल रही है कह रहा हूँ, रोड्स पे जो गाड़ियाँ चल रही है वो उसमें से मतलब जो धुआं निकल रहा है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैला रहा है। ठीक है, और मतलब जैसे ये बटरफ्लाई है ये भी जल रही है, ठीक है, मतलब इसका मतलब है जानवर वगैरह सारे जल रहे हैं। ठीक है, और उधर दूसरी तरफ जो अर्थ है वो उस पर मतलब हमें ये करना चाहिए असल में, पेड़ वगैरह लगाने चाहिए और सोलर प्लेट्स वगैरह, और तुम विंडमिल वगैरह भी बना सकते थे तो अपने हिसाब से मतलब तुम कर सकते थे। ठीक है, और बाद में ऊपर ना ऐसा सन दिखाओ और जो वो उसका उसके आसपास यूवी रेज दिखाओ, जो ग्रीन वाला मतलब अर्थ है ना एरिया वो वहाँ पे ना मतलब आप यूवी रेज दिखाओ ऐसे ग्रीन कलर से, और ना उधर अभी डिप्लीट नहीं हुआ है तो वो उसकी रेज को पूरा मतलब ऐसे बैक कर रहा है, रिवर्ट बैक कर रहा है, लेकिन इधर जो है ना दूसरी तरफ मतलब अंदर पेनिट्रेट कर जा रहा है ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओजोन लेयर है ही नहीं, तो फिर हमारे अर्थ की ऐसी की तैसी हो रही है। तो बस आपको देखो यार, अगर कुछ पूछना हो मेरे से, ठीक है, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और ये मतलब पेंटिंग का मीनिंग वगैरह कैसा लगा ये कमेंट करके बता देना मुझे। ठीक है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं इंस्टाग्राम का, वो उधर जाके पूछ लेना, और फॉलोअर्स पे मत जाना, ठीक है, वो बहुत कम है मेरे। ठीक है, मैं रिप्लाई कर दूंगा पक्का। ठीक है, चलो पेंटिंग लगभग कंप्लीट हो गई है, और पेंटिंग कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, चलो ठीक है यार, थैंक यू सो मच, बाय।